एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। और सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, है ना, ये देख कर आप सभी पहचान गए होंगे कि ये कौन सा टोनर है। तो ये टोलीमोली का मोची टोनर है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट जितना ही एक्सपेंसिव है उतना ही इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ये टोनर यूज़ किया जाता है कोरियन जैसी क्लासी स्किन पाने के लिए और बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा, तो हर कोई इसे नहीं ले सकता। अब मतलब जो ऑफ़र चल रहा होता है तब इसे आप ले सकते हो, आपको मिल जाएगा ये 1000 के समथिंग। बाकी ये टोनर मैंने काफ़ी साइट्स पर देखे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने यही टोनर बनाने के लिए मतलब इतना दिमाग चलाया ना कि ये कैसे, मतलब ये वाला टोनर कैसे बनाया जाए और जो आपकी स्किन में रिज़ल्ट दिखाए। तो आप जैसे मेरे स्किन का टेक्सचर देख रहे हैं, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा स्किन टेक्सचर हो गया है। तो मैंने यही वाला टोनर यूज़ किया था। आप जब इस टोनर को बनाएं तो फिर सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए बनाएं, इसे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपका सारा टोनर वेस्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट इसमें लगने वाला है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसे जब भी बनाएं पहला तो इसे फ्रिज में रखें स्टोर करके, ताकि ये आपका लंबे समय तक चल जाए। बाकी आप इसे बनाएं सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये टोनर आप कैसे बना सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी कि मैंने ये टोनर कैसे बनाया है। सबसे पहले आपको राइस को बॉईल कर लेना है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसे मिक्सर में पीस कर इसे छन्नी से छान लेना है और जो आपको ये मिल्की वाटर मिलेगा उसका ही आपको टोनर बनाना है। बाकी जो इसका चावल बचा है छनने के बाद उसे आप फेंकना नहीं, वो स्क्रब में काम आएगा, वो रहा ये। और जो आपका टोनर है उसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें सेरामाइड होता है वो मिलाना है, यानी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को मिलाकर अच्छे से मिक्स करके इसे अपनी बॉटल में आपको भर लेना है और आपका टोनर रेडी है। और इसका असर आपको 1 वीक के अंदर ही नज़र आ जाएगा, इसे डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और आप एक अच्छी स्मूथ ग्लासी और वाइटनिंग स्किन पाने के लिए वैसे भी इतना खर्चा करते हैं, तो आप घर पर ही बनी चीज़ों से अपनी स्किन केयर कर देखिए। अगर आप घर पर ही अपना ऐसा स्किन केयर कर लेंगी तो उसके बाद आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बाहर के प्रोडक्ट में बार बार पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और प्लीज़ इसे ट्राई कर ज़रूर देखना। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना और 1 वीक के अंदर ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट इसे लगाना आप डे भी और नाइट में भी। जैसी वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ रोज़ लेकर आती रहूँगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।